नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एसी। जी हां, एसी जो कि एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक दोस्तों आपने अपने घरों में एसी देखे होंगे, 2 टन, 1 टन, 3 टन, 4 टन के। पर जो ये मैं आज आपको एसी दिखाने जा रहा हूं, जो कि एयरक्राफ्ट, एयरप्लेन, हवाई जहाज में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी पावर या कैपेसिटी कह लीजिए 60 से 150 टन तक होती है। कि छोटे से लेके बड़े, बड़े से लेके बड़े एयरक्राफ्ट तक भी को भी ठंडा करने में सक्षम होता है। दोस्तों ये जो एसी होता है, इसका आरपीएम हम 1800 तक रखते हैं, ठीक है, बड़े एयरक्राफ्ट में। छोटे एयरक्राफ्ट में 1300-1400 तक आरपीएम इसका हम रख सकते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट में क्यों किया जाता है। वैसे तो दोस्तों एयरक्राफ्ट के पास खुद का एसी होता है, हवाई जहाज के पास, ठीक है। जब हवाई जहाज उड़ता है तो वो अपना एसी इस्तेमाल करता है। पर कभी कभी क्या होता है, जब हवाई जहाज ग्राउंड पर खड़ा होता है, अपने बे पर खड़ा होता है, ठीक है, तो कुछ एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट है, पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से वो एयरक्राफ्ट को परमिशन नहीं देता कि वो अपना फ्यूल इस्तेमाल करके एसी का या ग्राउंड पावर का इस्तेमाल करे। तो जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट में एरोब्रिज पर ही अपने एसी लगे होते हैं, तो एरोब्रिज और इलेक्ट्रिक पावर के यूज़ से, बिजली के यूज़ से जो भी एसी चलते हैं वहाँ, वो एयरक्राफ्ट पर इस्तेमाल किए जाते हैं। या फिर रिमोट बे पर जो टोएबल एसी होते हैं, जैसा कि मेरे पीछे खड़ा हुआ है, इस तरह के एसी यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। और दूसरा कारण ये है कि ये एसी क्यों यूज़ होते हैं, कभी कभी हवाई जहाज की ऑक्सिलरी पावर यूनिट जो होती है APU, उसमें कुछ खराबी या कुछ कमी आने की वजह से पायलट उस एयरक्राफ्ट का एसी ग्राउंड पर यूज़ नहीं कर पाता है, जिसके लिए उसे एक्सटर्नल एसी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए हम इन कारणों से हवाई जहाज पर इस एसी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों ये एसी किस टाइप का होता है और इसे किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये एसी कुछ इस टाइप का होता है, आप देख सकते हैं। इसका जो आगे ये हैंडल है, इस हैंडल को हम ट्रैक्टर से जोड़ते हैं। अभी ये ऊपर उठाया हुआ है, इसको यहाँ से इस तरीके से करके और ऐसे डाउन करके हम इसको ट्रैक्टर से जोड़ के एयरक्राफ्ट तक ले जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नॉर्मली खड़ा हुआ है तो उसके लिए हैंड ब्रेक यहाँ पे है, हैंड ब्रेक का हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हैंड ब्रेक लग जाती है और अंदर करते हैं रिलीज हो जाती है। ये दो पाइप है दोस्तों, एक पाइप ये है और एक ये है, जिन्हें हम होज बोलते हैं, होज नंबर 1 एंड होज नंबर 2। ये जो दो पाइप हैं, ये अंदर होज दिख रहा है खोलने के बाद, इसको एयरक्राफ्ट पर कनेक्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। किसी एयरक्राफ्ट में एक ही होज की ज़रूरत पड़ती है नैरो बॉडी के अंदर, और बड़े वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के अंदर दोनों होज की ज़रूरत पड़ती है, दोनों होज यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। तो इस टाइप का हमारा ये एसी होता है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये इंजन होता है और जो भी एसी की चीज़ें दी होती हैं। यह एसी 150 टन का है। और यहाँ आप देख सकते हैं इसका ऑपरेशन सिस्टम, यहाँ से इस एसी को चलाया जाता है। ये बटन स्टार्ट करने का होता है और ये बटन कूलिंग का होता है। ये दोनों होज को ओपन करने का बटन होता है, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। ये फ्यूल गेज है इसका, फ्यूल पता कर सकते हैं कितना फ्यूल है इसके अंदर। बाकी ये मीटर है इसका, इसमें मेन्यू में सब कुछ दिखाई देता है, आरपीएम या और भी कई तरह की मीटर रीडिंग वगैरह जो भी है सब इसके अंदर आती है। ये इमरजेंसी बटन होता है दोस्तों, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इमरजेंसी से शट डाउन किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है इसको। और ये बटन आरपीएम बढ़ाने और घटाने का होता है दोस्तों। नॉर्मली जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये आइडियल पर होता है, ठीक है,
अगर छोटा एयरक्राफ्ट है तो इस तरीके से ऐसे बढ़ाकर हम इसको 1300, 1200 या 1400, 1500 तक ले जाते हैं। बड़ा एयरक्राफ्ट है और ज़्यादा बढ़ाकर हम 1800 तक इसको लास्ट ले जा सकते हैं, पर नॉर्मली हम इसको 1600 पे यूज़ करते हैं। ज़्यादा बड़े एयरक्राफ्ट यहाँ पर नहीं आते, तो 1600 तक हम इसको यूज़ करते हैं और उस पर काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से इसका ऑपरेशन होता है और मैं आपको एयरक्राफ्ट पर भी दिखाऊंगा किस तरीके से हम इसको कनेक्ट करते हैं और चलाते हैं। बाकी आप देख लीजिए, ये इसका इंजन होता है दोस्तों अंदर। ठीक है, और इसका जो फैन होता है, इस तरीके यहाँ से हवा फेंकता है, जिस तरीके से हमारे रेडिएटर होते हैं वो इसको ठंडा करने के लिए, उस तरीके से ये एक रेडिएटर टाइप का होता है, इसमें से पानी सर्कुलेट होता रहता है और फैन चलता है तो वो इसको पानी को ठंडा करके वापस इंजन तक पहुंचाता है, जो इंजन को ठंडा करता है दोस्तों। बाकी सभी इक्विपमेंट के अंदर हम फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं, अगर कहीं आग वाग का कुछ सिस्टम हो लग जाए तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो अब मैं आगे आपको ले चलूँगा सीधा एयरक्राफ्ट पर और दिखाऊँगा आपको कि एयरक्राफ्ट पर हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं और किस तरीके से इसमें से एयर फ्लो होती है ठंडी एयर। तो नमस्कार, आगे मिलते हैं दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं हमने एक एयरक्राफ्ट में एसी लगाया हुआ है। यहाँ हमने केवल सिंगल होज यानी कि एक पाइप का यूज़ किया हुआ है, क्योंकि यह नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है, इसमें एक ही होज की ज़रूरत होती है। बाकी बड़े एयरक्राफ्ट के अंदर हम दोनों होज का यूज़ करते हैं, उनके अंदर दो पाइप लगाने के पॉइंट होते हैं। यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ हम इसे एयरक्राफ्ट पर इस तरीके से दोस्तों कनेक्ट कर देते हैं और एसी को ऑन करके एयर फ्लो छोड़ देते हैं, जिससे कि पूरा एयरक्राफ्ट 10 मिनट में ही कूलिंग प्राप्त करने लगता है और पूरा का पूरा बहुत चिल्ड हो जाता है। तो दोस्तों बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आने वाली और नई वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और हमारी आप नई वीडियो देख पाएँ। दोस्तों हम अपने चैनल पर एविएशन, एयरपोर्ट, जॉब से रिलेटेड काफ़ी वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपको भी एविएशन लाइन के अंदर इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल से जल्दी जुड़ जाइए और एविएशन की नॉलेज प्राप्त करते रहिए। हम अपने चैनल पर बहुत सारी आपके लिए एविएशन से रिलेटेड नॉलेज लाते रहते हैं, आपको ज्ञान देते रहते हैं और जॉब के बारे में भी बताते रहते हैं। यदि आपका क्वेश्चन है तो आप कोई भी कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।